परसों मैं अपने दोस्त के पास गया हुआ था। रात को वहां रुका, सुबह खड़ा हुआ। मैंने दोस्त बोला यार मैं चलता हूँ। मेरा दोस्त बोला यार ब्रेकफास्ट कर ले। मैं कहा नहीं। करा चल मैं आज तेरे को आंटी के छोले भटूरे खिला के लेके आता हूँ। मैंने कहा यार आंटी के छोले भटूरे? कह रहा हाँ भाई हमारे बड़े फेमस हैं यहाँ पर। मैंने कहा चल। अच्छा जैसे मेरे दोस्त ने बाइक उठाई उसके पास फोन आ गया कि बेटा खेत में आ जा काम है। मेरे दोस्त ने मेरे को एड्रेस लिख के दिया, कह रहा भाई ये बस पकड़ लियो वहां पहुंच जाइयो, किसी से भी पूछ लियो आंटी के छोले भटूरे की दुकान बड़े फेमस है। मैंने कहा ठीक है। मैंने बस पकड़ी और उस जगह पहुंच गया। अब मैं वहां जाके क्या देखता हूं, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं पूरी 20 दुकानें, 20, और हर दुकान पे लिखा हुआ है आंटी के छोले भटूरे, आंटी के छोले भटूरे, आंटी के छोले भटूरे, आंटी के छोले भटूरे। मेरी खोपड़ी परेशान कि यार मेरा दोस्त तो कह रहा था आंटी के छोले भटूरे की दुकान, यहां 120 दुकान है और भीड़ इतनी, इतनी भीड़ जैसे भंडारा बट रहा हो, लोग मरे जा रहे खाने के लिए। अरे भैया एक प्लेट दो प्लेट, अरे भैया पांच प्लेट, अरे भैया 10 प्लेट, अरे भैया 20 प्लेट। मैं हैरान। अच्छा इतने सारे आंटी के नाम से छोले भटूरे की दुकानें, लेकिन आंटी एक भी दुकान पर नहीं है। सारे आदमी खड़े। अच्छा मैं एक दुकानदार के पास गया। मैंने कहा भैया आंटी के छोले भटूरे की दुकान कौन सी है? कहता भाई ये वाली है। दूसरा दुकानदार बोल रहा है कि नहीं भैया असली आंटी के छोले भटूरे की दुकान हमारी वाली है। तीसरे वाला कह रहा नहीं भैया असली आंटी के छोले भटूरे की दुकान हमारी वाली है। ऐसे चौथा पांचवा छठा सारे यही बोल रहे कि असली आंटी के छोले भटूरे की दुकान यही है। अच्छा अब मैं वहां पर खड़ा कर सोच रहा हूं। मैंने कहा यार भटूरे खाना तो बहुत दूर की बात है, पहले यही पहचान लो कि असली आंटी के छोले भटूरे की दुकान कौन सी है। लोग ऐसे लगे पड़े पागलों की तरह खाने में, भैया 2 प्लेट 5 प्लेट 10 प्लेट 20 प्लेट। मैं हैरान। एक दुकानदार बोलता है मेरे को, कहता भैया, मैंने कहा हां जी, कह रहा असली आंटी के छोले भटूरे की दुकान यही है। मैंने कहा वो कैसे भाई? कह रहा हमारे यहां पर मक्खन में फ्राई भटूरे मिलते हैं। मक्खन में फ्राई भटूरे कौन देता है भाई? मैंने कहा मक्खन में दाल फ्राई सुनी थी लेकिन मक्खन में फ्राई भटूरे कौन खाता है? एक आदमी बोल रहा भैया हम खाते हैं, ये देखो खा रहे हैं। और भटूरा ऐसा कि अगर कोई हार्ट अटैक वाला पेशेंट खा ले उसको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, वो भटूरा खाती उसका राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। अच्छा फिर मैं क्या देख रहा हूं, जितनी भी भटूरे की दुकानें थी सभी भटूरों की दुकानों के सामने सुलभ शौचालय खुला हुआ है और सारे के सारे हाउसफुल है, वहां जाने की जगह ही नहीं है। लोग खाते जा रहे हैं निकालते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं निकालते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं निकालते जा रहे हैं। मैं देख के हैरान। मैंने कहा भाई ये क्या माजरा है यहां पर? अच्छा एक आदमी मेरे सामने 2 प्लेट भटूरे खा के चला गया शौचालय और वहां बैठ गया, और बैठने के बाद जैसे ही फ्रेश हुआ कहता भैया 1 प्लेट भटूरे की ओर। अच्छा वहां मांगने वाले घूम रहे, ए बाबूजी भटूरे खिला दो, ए बाबूजी भटूरे खिला दो, ए बाबूजी भटूरे खिला दो। मेरे पास आया, ए बाबूजी भटूरे खिला दो, ए बाबूजी भटूरे खिला दो। मैंने कहा खा ले भाई, मैंने तो खा नहीं, तू खा ले। अच्छा मांगने वाला कह रहा है
के भैया भटूरे खाऊंगा असली आंटी के। मैंने कहा तो मेरे को भी नहीं पता, मांगने वाला कह रहा मेरे को भी नहीं पता, मैं भी यहां पर पहली बार मांगने आया हूं। अच्छा वहां पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है सिर्फ भटूरे के लिए, गर्मी का टाइम है आपको पता, गर्मी का टाइम ऐसे ही चल रहा है। एक आदमी बेहोश हो गया तो भाई उसको पानी पिलाओ, ग्लूकोज पिलाओ। दुकानदार कह रहा कह रहा भैया भटूरे खिला तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा यार ये सुना था जो आदमी बेहोश हो जाए उसको ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं, ठंडे पानी की छींटे मारते, तू कह रहा भटूरे खिला तो ठीक हो जाएगा। कह रहा भाई ये भटूरे खाने के लिए ही बेहोश हुआ है।